हेलो एवरीवन, आज का हम टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं वेल ऑर्डर्ड सेट। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल लैब्स मैट्रिक में। तो जब हम ऑर्डर रिलेशन पढ़ते हैं, हम मेरे प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑर्डर रिलेशन डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसमें से देख सकते हैं कि जब हम वेल ऑर्डर्ड सेट डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले उसके लिए आपको एक ऑर्डर सेट चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए इज एन ऑर्डर्ड सेट विद रिलेशन दिस। तो यहाँ ये नोटेशन अडॉप्ट करते हैं लेस देन की ऑर्डर रिलेशन के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि रिलेशन हमेशा लेस देन का ही होगा, ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है। मतलब इट शुड नॉट बी स्ट्रिक्टली लेस देन ऑनली। सपोज ये डिक्शनरी ऑर्डर रिलेशन भी हो सकता है। डिक्शनरी ऑर्डर रिलेशन भी हमने प्रीवियस वीडियोज में डिफाइन किया हुआ है। तो आपको सबसे पहले एक ऑर्डर सेट लेना है जिसके पास एक ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए, और उसके बाद डेफिनेशन कहती है वेल ऑर्डर सेट की, इसके हर नॉन एम्प्टी सबसेट के पास एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना चाहिए। ए ऑर्डर सेट की रिलेशन दिस, then every non-empty subset of A has a smallest element. So smallest element होना चाहिए इसके हर non-empty subset के पास में। आप ध्यान दीजिएगा, हमने एक पीछे वीडियो में लिस्ट ऑफ बाउंड प्रॉपर्टी और ग्रेटर देन बाउंड प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, तो ये उससे डिफरेंट है, क्योंकि आप जानते हैं एलयूबी और जेएलबी जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट और लार्जेस्ट एलिमेंट से। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि अगर आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो सेट से बिलोंग करना चाहिए, जबकि एलयूबी और जेएलबी जरूरी नहीं है कि सेट से बिलोंग ही करें। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर आपने सारे नेचुरल नंबर्स ले लिए, आप इसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लीजिए, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट, चाहे फाइनाइट ले लो चाहे इनफाइनाइट ले लो, उसके पास हमेशा एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो होगा ही, क्योंकि ये आपके पास क्या होता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन होता है। तो इसका मैं कोई भी सबसेट लूँ, अगर तो मैं सिर्फ फाइनाइट सेक्शन ले रही हूँ तो भी उसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, और सपोज हम कोई इनफाइनाइट सेक्शन ले रहे हैं तो भी उसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको हम इससे भी डिनोट कर देते हैं, सेट पॉजिटिव नोटेशन भी यूज करते हैं कुछ बुक्स में, तो ये हमेशा आपका सेट वेल ऑर्डर्ड सेट रहेगा। लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स, और सबसे पहले हम जेड पॉजिटिव के बाद बात कर लेते हैं सिंपल ऑल जेड की, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स वेल ऑर्डर्ड नहीं होता। क्यों? यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स भी इंक्लूड हो गए, तो इसके अंदर ये चलता आ रहा है सेट, और यहाँ पे सपोज -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 टाइप के इस तरीके से ये आपके पास सेट है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इसका अगर मैं कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लूँ और एक्सपेक्ट करूँ कि उसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, ये ट्रू नहीं है। सपोज मैंने ये ले लिया, इसका ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया -3 एंड so on, तो क्या इसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज नॉट वेल ऑर्डर्ड। ऑन सेम लाइंस हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स भी वेल ऑर्डर्ड नहीं होता। इनफैक्ट रियल्स में जाने से पहले हम बिल्कुल छोटे से इंटरवल, यूनिट इंटरवल की बात कर लेते हैं। सपोज मैंने ये 0, 1 ले लिया यूनिट इंटरवल, तो ये सेट भी वेल ऑर्डर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सॉरी ये तो वेल ऑर्डर्ड रहेगा, या कोई भी इसका मैं सबसेट ले लूँ, यू में से 1/2 to 1, ये इसका सबसेट है, ऑब्वियसली बात है ये इसका सबसेट है, लेकिन ये वेल ऑर्डर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1/2 है जो इसके पास नहीं है, 1/2 डजंट बिलोंग्स टू दिस। तो इसका कोई भी मैं नॉन एम्प्टी सबसेट लूँ और ये एक्सपेक्ट करूँ कि उसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब सेट ऑफ ऑल रियल्स, यूनिट इंटरवल, ये सेट भी वेल ऑर्डर्ड नहीं होते हैं। तो कौन से सेट वेल ऑर्डर्ड होते हैं? सबसे बेस्ट एग्जांपल तो हमको पता ही है, एक और हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं। अगर हमने 1, 2 और उसको क्रॉस करवाते सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के साथ में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे? इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड सो ऑन, एंड देन 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड so on। और ये सेट लिया हुआ है, इस पे जो मैं रिलेशन ले रही हूँ, जो ऑर्डर रिलेशन मुझे लेना है वो डिक्शनरी ऑर्डर रिलेशन ले रहे हैं हम। सपोज डिक्शनरी ऑर्डर आप जानते हैं उसके अंदर एलिमेंट्स किस प्रकार से रिलेट होते हैं। अगर पहला कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट दोनों एलिमेंट्स के अगर आप छोटे हैं तो हम जस्ट उसी हिसाब से देख लेते हैं, और पहले कोऑर्डिनेट बराबर है तो फिर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें आप देखिए, इसका कोई भी अगर आप नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे तो उसके पास हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहेगा, क्योंकि जैसे सपोज मैं ये सेक्शन ले लेते हैं, ये सेक्शन मैंने ले लिया, इस टाइप के एलिमेंट सारे कैसे भी ले सकते हैं आप, सिर्फ इतना भी ले सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके पास हमेशा एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि सपोज अगर मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ इन दोनों को, और या किसी को भी कंपेयर करूँ,
तो अगर आप इसी रो में से ले रहे हैं, अगर आपने दो एलिमेंट सपोज इसी रो में से ले लिए, तो क्योंकि इनका पहला कोऑर्डिनेट सबका सेम है तो आप सेकंड कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। अगर आपने एलिमेंट लिया 1, 3 एंड 1, 10, क्योंकि इनका पहला कोऑर्डिनेट सेम है और 3 अगर लेस देन 10 है तो ये एलिमेंट इससे लेस देन है, ओके। और अगर हम डिफरेंट रोज में से एलिमेंट ले रहे हैं, सपोज आपने लिया 1, 3 एंड 2 के साथ सपोज 10 ले लिया, तो यहाँ पे क्योंकि 1 ही 2 से छोटा है तो इसका मतलब सीधा ही स्ट्रिक्टली लेस देन का सिंबल आ जाएगा। और अगर यहाँ पे 50 भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 1 के साथ अगर 50 भी हो, लेकिन क्योंकि पहले एलिमेंट को ही कंपेयर करते हैं हम डिक्शनरी ऑर्डर में, तो हमेशा आपके पास एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल ही जाएगा। तो इस तरीके का ये तो एक एग्जाम्पल हो गया वेल ऑर्डर सेट का। इससे को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, तो हमने देखा 1 2 क्रॉस z पॉजिटिव तो वेल ऑर्डर होता है। अब हम उसी रिजल्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, n क्रॉस n विद डिक्शनरी ऑर्डर। ये सेट भी आपका वेल ऑर्डर होता है। इसको चेक करने के लिए हम एक सिंपल सी कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, हम इसको डायग्रामेटिकली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप n क्रॉस n की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एलिमेंट्स 1, 2, 3 टैग के आएंगे और यहाँ पर भी 1, 2, 3 और इसमें एलिमेंट्स इस तरीके से आएंगे। और क्योंकि हम डिक्शनरी ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो अगर आप ये एलिमेंट ले रहे हो तो ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ऊपर की तरफ से आपका ऑर्डर मूव करता जाता है, तो इस तरीके के इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा जो पूरा सेट हमने n क्रॉस n लिख लिया हुआ है यहाँ पर। अब हमें चेक करना है कि ये सेट वेल ऑर्डर है कि नहीं है, तो इसका कोई भी अगर मैं नॉन एम्प्टी सबसेट लूँ तो मुझे चेक करना है कि उसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सपोज हम इसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लेते हैं, ये यहाँ पर डॉट्स डॉट्स पूरे आ रहे हैं, ये पूरा फुल है, और इस सेट का नाम हमने एक्स रख लिया। सपोज ये नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, एन क्रॉस एन का। अब मुझे चेक करना है कि इस एक्स के पास एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे मैंने कहीं भी एक एलिमेंट ए नॉट मार्क किया हुआ है, ओके। तो ए नॉट किस तरीके से मार्क किया हुआ है, तो एक्स हमने क्या ले लिया, एक्स बी यानी नॉन एम्प्टी सबसेट। सबसेट ऑफ दिस थिंग एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन, और हमारा टास्क है इसका लिस्ट एलिमेंट ढूंढना, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना, ठीक है। तो अब हमने ए एक सबसेट ले लिया किसका, एन का, और ये सबसेट इस प्रकार से लिया कि इसमें एक्स सेट के जितने भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, आप जानते हैं इसके अंदर किस प्रकार के मेंबर आएंगे, इसके अंदर ए भी टाइप के मेंबर्स आएंगे जहाँ पे ए और बी दोनों ही नेचुरल नंबर्स होंगे। इस एक्स सेट के अंदर हमने ए एक सबसेट ले लिया है एन का, इसके अंदर हम सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंसिडर कर रहे हैं, मतलब इट कंटेन्स ओनली ओनली फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। एलिमेंट्स जितने भी हैं एक्स के अंदर उनका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका ए के अंदर आ रहा है, तो ये सबसेट किसका है, एन का है, और एन हम जानते हैं कि वेल ऑर्डर्ड होता है, इसका मतलब इसके पास एक लीस्ट एलिमेंट होगा, उस लीस्ट एलिमेंट का नाम ही मैंने ए नॉट मार्क किया हुआ है। सपोज ये यहाँ पर आ रहा है एंड दिस इज माई लीस्ट एलिमेंट ए नॉट, ओके। सो ए नॉट एलिमेंट होगा किसका, ए का, और ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट, ओके। अब ए नॉट तो हमने फिक्स कर लिया, ए नॉट के साथ जितने भी ये इस सेट के नेचुरल नंबर्स हैं इस सेट के, वो हम वैरी करवा देते हैं। तो मैं एक और सबसेट ले लेती हूँ, सपोज बी, उसमें मैंने बी को वैरी करवाया हुआ है सच दैट ए नॉट और बी इस तरीके के मेंबर ले लिए, तो ये किसका सबसेट होगा, आप जानते हैं, देखो हम सिर्फ बी वैरी करवा रहे हैं, ए नॉट हमने फिक्स किया हुआ है, तो ये भी सबसेट आपका नेचुरल इनफैक्ट एक्स का, बेटर टू से एक्स, क्योंकि हम सिर्फ एक्स में से ही मेंबर ले रहे हैं, हमने बी जो है वो एक्स का लिया हुआ है एलिमेंट, तो ये पूरा एलिमेंट भी एक्स का ही होगा, ओके। तो मतलब इस तरीके से हमने वो सारे बी ले लिए हैं, ये पूरा एलिमेंट एक्स में से आए, तो क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर्स का ही सबसेट रहेगा और नेचुरल नंबर्स अगेन वेल ऑर्डर्ड रहते हैं, तो इसका भी आपके पास में एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा, तो उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट का नाम हम यहाँ पे क्या रख लेंगे, बी नॉट हमें रख लिया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो कि बी का है, ओके। तो फिर ए नॉट और बी नॉट ये जो एलिमेंट रहेगा यहाँ पे, इन द सेंस यहाँ पे ये और इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो भी आ रहा होगा वट एवर इट इज, वो जो एलिमेंट रहेगा आपका ए नॉट और बी नॉट, ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहेगा डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से, क्योंकि आप कोई भी अदर एलिमेंट लेंगे आप एक्स का, ठीक है, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सबसे छोटा एलिमेंट है उसका नाम हमने ए नॉट रखा हुआ है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट पे जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसका नाम हमने बी नॉट रखा हुआ है, इसका मतलब ए नॉट बी नॉट जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पूरे एन क्रॉस एन के
और पूरे x के लिए, x की बात कर रहे थे हम, तो x आपका कैसा हो गया फिर, कोई भी नॉन-एम्प्टी सबसेट था उसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया, तो इसका मतलब कोई भी हम इसका सबसेट ले लेते हैं तो उसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाता है, तो आपका n क्रॉस n भी कैसा हो जाएगा, वेल ऑर्डर्ड हो जाएगा। तो ये जो टेक्निक है एक तरीके से हमने मनपर्स की बुक में से फॉलो करी हुई है और वहां से हमने ये क्लेम किया है कि सेट वेल ऑर्डर्ड होते हैं। तो आपको पता चल गया कि कौन से सेट वेल ऑर्डर्ड होते हैं और कौन से सेट वेल ऑर्डर्ड नहीं होते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो शेयर कीजिए, और कोई भी अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए और मेरे चैनल लैट्स मैथड को सब्सक्राइब कीजिए।